अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक नेम की प्रॉपर एक जो इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन है वो बताऊँगी, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स बताऊँगी। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो आपको साइंटिफिक नेम का पता होना चाहिए। साइंटिफिक नेम का मतलब है कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो कि बायोलॉजिस्ट ने एक मतलब कि बायोलॉजी में हर एक चीज़ को एक साइंटिफिक नेम दिया है, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन अगर हम कहीं भी चले जाएं तो लैंग्वेज जो है वो वैरी करती है, यानी उसकी प्रोनाउंसिएशन भी वेरी करेगी। उसी तरह उसकी हर इलाके के रहने वाले अलग-अलग ज़ुबान बोलते हैं, अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि यहाँ पे तो क्या होगा कि एक चीज़ पे इतफाक नहीं करेंगे लोग, तो फिर उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को बायोलॉजी में एक साइंटिफिक नेम दे दिया, जिसको हम साइंटिफिक नेम ही कहते हैं। तो वो अगर हम कहीं भी चले जाएं, अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो फिर अगर साइंटिफिक नेम कहें तो फिर वो समझ जाएंगे। सो आज हम वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले है वुल्फ। वुल्फ का साइंटिफिक नेम क्या है, कैनस ल्यूपस। लायन, लायन को हम शेर कहते हैं, जबकि इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो। एलिफेंट, एलिफेंट को जो साइंटिफिक नेम है वो है एल्फस मैक्सिमस। वाइल्ड एस, यानी वाइल्ड एस का जो साइंटिफिक नेम है वो है इक्वस अफेरिकेनस एसिनस। लेपर्ड और पैंथर, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा पार्डस। फॉक्स, फॉक्स को लोमड़ी कहते हैं, जबकि इसका साइंटिफिक नेम है विल्पस विल्पस। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथरा टिग्रस। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम जो बहुत इंपॉर्टेंट है जूलॉजी में, इसका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस प्लेस्ट्रस। हॉर्स, हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम है इकस कबेलस। जेब्रा, जेब्रा का साइंटिफिक नेम है इकस ग्यूगेगा। बफेलो का साइंटिफिक नेम है बेबेलस बुबेलस। वाइल्ड बोर का साइंटिफिक नेम है सुस स्कॉर्फा। अरेबियन कैमल का साइंटिफिक नेम है कैमिलस ड्रोमेडेरीज। जिराफा का साइंटिफिक नेम है जिराफा कैमिलो पैराडलस। हाउस वॉल लिजर्ड, यानी आम जो छिपकली होती है घरों में, इसका भी साइंटिफिक नेम है, वो क्या है, वो है हेमीडेक्टलस फ्लेवी विडेरीज। डॉग, डॉग इज अ पेट एनिमल, जबकि बायोलॉजी में इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो इसका भी एक साइंटिफिक नेम है, वो है कैनस ल्यूपस फेमेलेरीज। कैट, कैट का साइंटिफिक नेम है फीलस डोमेस्टिकस। एनिमल्स के क्यों साइंटिफिक नेम्स रखे गए, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज हैं जो कि एनिमल्स से ही होती हैं इंसानों को, तो कुछ स्पेसिफिक नेम्स इनको इस वजह से ही दिए जाते हैं ताकि उस डिजीज़ को मतलब वेरीफाई करने में और एनिमल का नेम लेने में आसानी हो सके। चीता, चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनक्स जुबेटस। ब्लैक रैट, एक होते हैं वाइट रैट और एक होते हैं ब्लैक रैट, इनकी स्पीशीज जो हैं वो मतलब एक पॉइंट पे जाके इनकी एवोल्यूशन जो है वो सेम है, जबकि इनका बैकग्राउंड सेम है, जबकि अब जो एवोल्यूशन हुई है इनकी वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनके कलर्स और इनके कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स और कुछ केमिकल प्रोसेस चेंज होते हैं। तो ब्लैक रैट का जो साइंटिफिक नेम है वो है रैटस रैटस। रैबिट, रैबिट का साइंटिफिक नेम है ऑर्किटोलेगस क्यूनानुलस। आउल, आउल का साइंटिफिक नेम है बुबू विर्गिनेनस। स्पैरो, स्पैरो आम चिड़िया को कहेंगे, इसका साइंटिफिक नेम है पैसर डोमेस्टिकस। क्रो, क्रो का साइंटिफिक नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि क्रो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्वस प्लैंडेंस। इंडियन पाइथन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंडियन पाइथन का साइंटिफिक नेम है पाइथन मोलोरस। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।